सारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जो है क्लास 9 साइंस फिजिक्स के अंतर्गत जो है गति जिसको इंग्लिश में मोशन कहते हैं आप लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें जो है जो गति के तीन समीकरण होते हैं, जो पहला समीकरण होता है वी बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको डेरिवेशन आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग जो है किए हुए हैं इसका। इन्हीं समीकरण पर आधारित जो है हम आपको आज आंकिक प्रश्न बताएंगे, ठीक है। बी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना। जो तीन गति के समीकरण हैं इन पर आधारित आपको प्रश्न बताया जाएगा। तो पहला जो है एक सवाल है, इसको देखिए। पहला है एक वस्तु विरामावस्था से गति करना प्रारंभ करती है दस सेकेंड बाद, उसका अंतिम वेग पचास मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। हल है आपका यहां से। सबसे पहले साइंस के जो सवाल होते हैं उसको लगाते कैसे हैं, दिया है कि एक वस्तु विरामावस्था से गति करना प्रारंभ करती है। जब विरामावस्था दे दिया तो इसका कोई प्रारंभिक वेग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो है यू बराबर हो जाएगा आपका 0 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड में ही दिया हुआ है। तो प्रारंभ विरामावस्था अगर दे दे तो वहां पर जो है यू का मान जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 सेकेंड दिया जाती है आपका, टी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टी बराबर 10 सेकेंड, टी बराबर क्या है 10 सेकेंड है, ठीक है। और उसका अंतिम वेग, अंतिम वेग का मतलब अंतिम वेग को भी से प्रदर्शित करते हैं, और यह दिया हुआ है 50 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। उसके बाद हो जाता है तो उसका त्वरण ज्ञात करने को पा रहा है, यानी ए बराबर आपको ज्ञात करने को पा रहा है। अब देखिए यू है, टी है, वी है, ए है, यू है, टी है, वी है, ए है। अब इससे हम देखेंगे इसमें कि गति का कौन सा समीकरण इसमें अगर हम रख रहे हैं तो काम हमारा बन जा रहा है। तो यू है, वी है, ए है, टी है, यानी प्रथम जो समीकरण है यहाँ इसके लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। तो गति का प्रथम समीकरण होता है वी बराबर यू प्लस ए टी। अब इसमें इसका मान रख दीजिए, वी बराबर कितना है तो 50 है, फिर बराबर है, यू बराबर कितना है तो 0 है,
ए बराबर क्या है, तो ए बराबर ज्ञात करना है, तो ए को लिख दीजिए। टी बराबर कितना है, तो 10 है, टी की जगह 10 कर देंगे, पूरे टी 10 कर देंगे। तो ये आपका हो गया 50, ये 0 खत्म हो गया। तो 50 बराबर हो जाएगा 10 ए, इसको इधर ला दीजिए, उसको इधर ला दीजिए, यानी 10 ए बराबर हो जाएगा 50। ए बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटे के 10, यानी काट देंगे इसको तो 5, ठीक है। ए बराबर हो जाएगा 5, अगर ए बराबर केवल उसी तरह 5 लिखेंगे तो गलत है, इसके आगे इस त्वरण का मात्रक लिखना पड़ेगा। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, हिंदी में या अंग्रेजी में तो 5 m, ऐसे 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक। इसको देख लीजिए, लगा लीजिए, इसको समझ लीजिए। एक वस्तु विरामावस्था से गति करना प्रारंभ करती है, 10 सेकेंड बाद उसका अंतिम वेग जो है 50 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। यहाँ जब विरामावस्था आ जाए तो यू बराबर 0 हो जाता है ना। जब समय या 10 सेकेंड दिया है कि 10 सेकेंड, तो टी बराबर कितना है, 10 सेकेंड है। भी बराबर कितना है, तो 50 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। उसका त्वरण ज्ञात करने को कह रहा है, ए बराबर ज्ञात करने को कह रहा है, तो ये के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब हम इसमें गति का प्रथम जो समीकरण है, गति के प्रथम समीकरण से, है ना, गति के प्रथम समीकरण से भी बराबर यू प्लस एटी होता है, फिर इसमें हमने मान रखा है और ए का मान हम निकाल दें कि इसका त्वरण जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको देख लीजिए, आइए चलते हैं अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज में। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, एक वस्तु एक वस्तु विरामावस्था से 10 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए फिर इसको हल करते हैं, हल करिए इसको। तो यहाँ विरामावस्था दे दिया, तो यू बराबर कितना हुआ, 0 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। जब विरामावस्था आ जाए तो तुरंत मान लीजिएगा कि यू बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ t बराबर क्या है, 10 सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद 100 मीटर की दूरी दिया हुआ है ना, यानी s बराबर क्या है, 100 मीटर है, ठीक। तो उसका त्वरण ज्ञात करने को पूछ रहा है, यानी a बराबर आपको पूछ रहा है। आप देखिए इसमें a है, t है, u है, s है, तो s u t a जब जिसमें आए, इसमें अंतिम वेग का कहीं जिक्र है नहीं,
जब अंतिम एक का जिक्र नहीं है तो पहला और तीसरा समीकरण वैसे भी नहीं होगा इसमें। तो यहाँ गति का द्वितीय समीकरण से है ना, लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से। तो गति का द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। s बराबर कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है, तो 100 लिख देंगे। u बराबर कितना है, 0 है। t बराबर कितना है, 10 है। फिर 1/2 है, उसके बाद a का मान निकालना है तो गुणे a कर देंगे। t बराबर कितना है, 10 का स्क्वायर है। ठीक, एक बार आप चलिए हल कर ले, 100 को यहाँ उतार लीजिए, 0 का 10 में गुणा होगा तो आप जानते हैं कि शून्य का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो वह शून्य हो जाता है। कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर 1/2 गुणे ए गुणे 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का घात 2 है तो 10 गुणे 10 बराबर कितना होगा, 100 हो जाएगा ना। बोलिए 10 का स्क्वायर, 10 गुणे 10 बराबर 100। अब आ जाइए फिर एक लाइन चलिए, तो 100 बराबर ये 0 खत्म हो गया तो 0 को हटाए दीजिए, इससे कुछ मतलब मत रखिए। 1/2 गुणे ए है ना, इसको काट दीजिए, 2/50 में 100, यानी हो गया 100 बराबर 0 को हटाए दीजिए, 1/50 हो गया कि नहीं होगा, 100 बराबर 1/50 यानी 100 बराबर हो जाएगा 50 ए, या ए को 50 से इधर ला दीजिए, 50 ए बराबर 100, ए बराबर हो जाएगा 100/50, काट देंगे तो 50 में 100 होता है, ए बराबर हो जाएगा आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से जो है आप लोग जो है आज दो समीकरण देखें, या कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें केवल ए का ही मान पूछे, भी का भी पूछ सकता है, यू का भी पूछ सकता है। फिलहाल इसके आप जो इस तरह के सवाल हों यदि आपके किताब में तो उसको लगाइए, कहीं से मिले तो भी उसको प्रयास करिए। कल हम वीडियो में, अगले वीडियो में जो है तीसरे समीकरण पर आधारित साथ साथ कुछ अलग टाइप के प्रश्न जो है, ये तो सिंपल है बिल्कुल, सीधा सीधा उसको फार्मूले में रख देना है, लेकिन कल वाले वीडियो में हम कैसे प्रश्न को चेंज कर दिया जाता है, सूत्र लगेंगे वही, थोड़ा कैसे घुमाकर थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता है उसको। चूँकि अभी शुरुआत है तो इसलिए हम शुरू से इसको चलने का प्रयास कर रहे हैं। कल थोड़ा इससे अलग हटकर जो है हम आपको इस आंकिक प्रश्न का जो है वीडियो हम बताएंगे। फिलहाल आज के दिन जो है बस इतना ही। इससे आधारित यदि आपके बुक में या कहीं भी प्रश्न मिलते हों तो उसका जो है आप अध्ययन करें, उसको हल करें और इसको सही से इसका जांच करें, करेक्ट करें। ठीक है, तो बस आज के दिन इतना ही, धन्यवाद।